सब्सक्राइब करें यूएस डिलक्स कंटेंट को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कंदावली ने देश में ऐसा कोरोना का विस्फोट बढ़ाया है कि देश की सरकारें भी हिल गई है। अभी ये जनाब कहाँ छुपे हैं कोई नहीं जानता, इनकी तलाश जारी है। इनके खिलाफ क्राइम ब्रांच ने नोटिस भी जारी कर दिया है। दिल्ली के निजामुद्दीन में बंगले वाली मस्जिद में रहने वाले मौलाना साद की बेशुमार दौलत को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यूपी के कांडला में आलीशान शीश महल और इस महल के साथ बड़ा सा फार्म हाउस जो कई एकड़ में फैला हुआ है। ये जनाब मोर की दुर्लभ प्रजाति सफ़ेद मोर रखते हैं। इनके पास एक दो नहीं लगभग आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियां हैं और उनके बेटे के लिए स्पोर्ट्स बाइक, इंटरनेशनल लेवल का बना हुआ स्विमिंग पूल जिसमें कई लोग एक साथ डुबकी लगा सकते हैं। इसके चारों तरफ बना हुआ हरा भरा पार्क जो बहुत बड़ी एरिया को घेरता है, जो महल नुमा बंगला के पास स्थित है। इसके मखमली सोफे और इसके बेशकीमती पर्दे अरबों की प्रॉपर्टी है। जब सड़क पर मौलाना साहब निकलता था उसकी बहुत बड़ी काफिला होती थी जिसमें मौलाना खुद मर्सिडीज गाड़ियों में बैठता था, जबकि उसके साथी BMW और तरह तरह के लग्जरी गाड़ियों में बैठते थे। वह जहाँ भी पहुँचता था वहाँ सैकड़ों लोग जुड़ जाते थे। यह दिल्ली में रहता था और 130 किलोमीटर दूर अपना आलीशान शीश महल बना रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 26 सवालों के साथ नोटिस जारी किया है जिसमें उनसे पूछा है तबलीगी जमात का पता बताएं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं, जमात से जुड़े सभी कर्मचारियों की पूरी डिटेल, मरकज से जुड़े लोगों के मैनेजमेंट की डिटेल, मरकज के पिछले 3 साल के इनकम टैक्स की डिटेल, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, 1 साल की बैंक की स्टेटमेंट, 1 जनवरी 2019 से मरकज में हुए कार्यक्रम की डिटेल, मरकज में लगे CCTV वीडियो के फुटेज, मरकज में दिए जाने वाले भाषण के वीडियो और ऑडियो क्लिप्स। दोस्तों, मौलाना साद के ऊपर काले धन का आरोप लगाए अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देने के बजाय मौलाना साद गायब हैं। ऑडियो जारी कर खुद को क्वारंटाइन में होने का झांसा दे रहा है। देश भर में छापेमारी जारी है पर मौलाना साद कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसे में मौलाना साद का हिसाब जल्द से जल्द हो ताकि कोई भी ऐसा अजीब गुनाह करने के बारे में न सोचे।